friends, let's start our vlog, new video. So hello Asta. Hello. So guys, मिली हमारी नई ब्लॉगर से. तो आप क्या कर रहे हो आस्था? मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ. अच्छा, आप ब्लॉग बना रहे हो. आपको मम्मा के चैनल के बारे में कुछ बोलना है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और साथ में कमेंट भी करो. कमेंट नहीं करते हो? करो. ओके, आप तो सब लोग कमेंट करेंगे ही. तो आस्था, तुम्हें आज डिनर में क्या खाना है? पालक पनीर. तो चलिए गाइस, चलते हैं हम लोग किचन की तरफ. हे एवरीवन, वेलकम टू होम क्रिएटिविटी विद सुची. और मैं हूँ सुचित्रा. तो आप लोगों ने तो सुना ही, देखा ही कि हमारी ब्लॉगर जो है छोटी सी नन्ही मुन्नी, उन्हें खाना है पालक पनीर. तो उसकी चल रही है तैयारी. तो पालक पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है ये 250 ग्राम पालक. इसे अच्छी तरह धो के और छोटे टुकड़ों में काट ले, हाथों से तोड़ ले. और इसके साथ मैं डालूंगी ये कटे हुए प्याज के कुछ स्लाइसेस, 4 से 5 कटे हुए प्याज. और इसके बाद मैं डालूंगी ये 7-8 काजू. तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें. तो इससे एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा. एक हरी मिर्च और 1/4 चम्मच चीनी. तो चीनी जो है वो इस पालक की कड़वाहट को कम कर देगा. तो इतनी चीजें डाल के और बस इसे कुकर का ढक्कन लगा के और हमें 1 सीटी लगा लेना है. तो ये लग गया ढक्कन और अब बस इसे गैस पे चढ़ा के 1 विसल आने के बाद बंद कर देना है. तो ये कढ़ाई में हमारा मस्टर्ड ऑयल गरम हो रहा है और उसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच घी. थोड़ा सा और डलेगा और इसमें हम करेंगे पनीर को फ्राई. हाँ जी, तो तेल हो गया है गरम और ये लिया है मैंने 250 ग्राम पनीर है. तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालें और इसे हल्का सा फ्राई करें. कलर चेंज नहीं होना चाहिए. खाली के हाथों से चलाते हुए और जस्ट कुछ सेकेंड, 2-3 सेकेंड और हो गया. इसे हम बाहर निकाल लेंगे. ये निकला जी पनीर. ठीक है, तो ये देखिए पनीर निकल के बाहर आ गया है और बिल्कुल तैयार है. तो अगर आप चाहें तो पनीर को फ्राई नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है. तो मुझे पसंद है तो मैंने कर दिया. तो अब वो सेम पैन में ही जितना तेल ही बचा हुआ है तो उसमें ही मैं डाल दूंगी सबसे पहले हींग. और हींग के बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा शाही जीरा और तेज पत्ता. ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, प्याज. अब प्याज मैंने लिया है 1 मीडियम और उसको बिल्कुल छोटा छोटा काटा है मैंने. अगर आपके पास चॉपर है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भाई हाथ से ही चाकू की मदद लेके और बारीक बारीक काट ले. और इसको हम करेंगे फ्राई धीमी आंच पे. अब ये प्याज
आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन होने लगा है। तो अब हम डाल देंगे ये मैंने आधा टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा है तो वो डालेंगे। टमाटर को मैं पीस के भी दूंगी, एक टमाटर मैं पीस के दूंगी और आधा टमाटर मैं ऐसे कट करके दूंगी कि थोड़े उसके चंक्स मुंह में आएंगे तो वो भी एक अलग टेस्ट करता है। और साथ साथ हम प्रिपेयर करते जाएंगे। तो ये फर्स्ट तो मैंने पालक को पीस लिया है जिसको मैंने बॉईल किया था और उसके साथ ये कुछ मसाले हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप एक छोटी चम्मच लाल मिर्च तीखी वाली और दो धनिया के दो चम्मच और चुटकी भर काली मिर्च अगर आपको पसंद है तो डालिए, मैंने डाला है। तो इसको हम इस तरह पानी से पेस्ट बना लेंगे। और ये रहा जी वो एक टमाटर मैंने अदरक लहसुन के साथ पीसा है, तो आधा इंच टुकड़ा अदरक और 7 से 8 कली लहसुन और एक टमाटर उसको मैंने पीस लिया। ये अब मैं इसे ऐड करूंगी प्याज भुनने के बाद। तो जब तक ये प्याज और टमाटर भुन रहे हैं तो थाली क्यों बैठा जाए, तो हम करते हैं इसमें नमक को ऐड। अब नमक डालने से क्या होगा, ये जो टमाटर के टुकड़े हैं ये बड़ी जल्दी से पक जाएंगे, वैसे भी पक ही गए हैं, तो बस नमक डाल के मिला दे। और इसमें ये जो हमारा टमाटर अदरक और लहसुन का पेस्ट है उसको डाल देंगे और धीमी आंच पे से भूनना अच्छी तरह। और ये धनिया मिर्च काली मिर्च भी गया। अब मैं ये पालक डाल दूंगी, तो मसाले में से तेल ऊपर आ गया है और ये पालक डाल के मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है, मैं इसे 1 से 1.5 मिनट पकाऊंगी क्योंकि फिर पनीर डालने के बाद भी मैं इसे पकाऊंगी। तो ये देखिए पालक के साथ मैंने अच्छे से भून लिया और अब मैं इसमें पनीर मिला दूंगी। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी है, अगर आप रोटी पराठे के साथ खा रहे हैं तो कम ग्रेवी रखिए, नहीं तो आप थोड़ा ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने मिक्सी के जार में ही थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल दिया है, तो मैं इसे पराठे और जीरा राइस के साथ सर्व करूँगी। तो पनीर डाल के 1.5 मिनट और चलाना है और आधा चम्मच गरम मसाला और इसे मिला के बस गैस ऑफ कर देंगे और मसाला गरम मसाला डालने के बाद ढक्कन लगा के इसे मैं छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए, तो इससे मसाले की खुशबू अच्छे से आ जाएगी। तो ये मैंने ढक्कन लगा दिया, ये हो गया पालक पनीर रेडी। तो पालक पनीर बिल्कुल रेडी है और ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना पार्टियों में सर्व करने लायक पालक पनीर, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और ये गया जी ऊपर से मक्खन और अब देखिए ये गर्मा गर्म पालक की ग्रेवी के ऊपर से पिघलता हुआ मक्खन और इतनी यम्मी इतनी टेस्टी डिश, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मैं बनाती हूँ मैंने वैसे शेयर किया है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।